दोस्तों आप देख रहे हैं द नवजीवन, और जैसा आप जानते हैं लगातार यूपी चुनाव यात्रा हम कर रहे हैं, और इस वक्त मैं पश्चिमी यूपी को कवर कर रहा हूं दोबारा से, क्योंकि पहले चरण के चुनाव जो होंगे वो पश्चिमी यूपी से होंगे। किराना में मौजूद हूं। पिछली बार आपने पिछली वीडियो में हमने दिखाया आपको किराना विधानसभा की वीडियो थी, वो गाँव थे, जाटों का गाँव था और वहाँ अलग अलग जाति के दिखाए। मैं आपको हर बार ये कहता हूँ कि मैं दो चार लोगों का आपको सर्वे नहीं दिखाता, कोशिश करता हूँ हर समुदाय से बात हो सके, हर समुदाय के लोगों से बात हो जाए, हर जाति के लोगों से बात हो जाए कि सबकी अपनी अपनी राय क्या है, कौन किसको पसंद कर रहा है, किस और जा रहा है। तो अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, पीछे ये जामा मस्जिद है किराना की, किराना के मेन किराना में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है यहाँ पर, इनसे बात करेंगे कि इनकी राय क्या है, इस बार किस और जा रहे हैं, कांग्रेस सपा या भाजपा के काम अच्छे रहे भाजपा के साथ जाएंगे या असदुद्दीन ओवैसी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद सिद्दीकी। जावेद सिद्दीकी जी, तो जावेद जी कैसा चल रहा है माहौल यूपी चुनाव का? माहौल अग्रेसर चल रहा है सर। जी अच्छा, तो क्या वजह है, क्या बीजेपी से नाराजगी रहेगी? बीजेपी ने कोई खास काम नहीं कराया सर। अच्छा, बिल्कुल किसानों को साथ उल्टा उल्टा कराया है, सब महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, परेशान है पब्लिक, क्या करे, पब्लिक को रास्ता नहीं है, सब काज नहीं है, कामकाज तो खत्म ही हो गया है बिल्कुल। अच्छा, कामकाज में खाली बैठे, पीछे मेरी शॉप में खाली बैठे हैं, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं अपना। अच्छा, और आप देख लीजिए सच्चा क्या होगा। और नए दर्शन हमारा नेता है, उसे वोट देना है। कल तो उन्होंने गिरफ्तारी हुई है उनकी। हाँ, गलत इल्जाम लगाया है उन पे, उसमें फंसाया है उनको, अन्य वैसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया नेता है, जवाब नहीं। अखिलेश यादव के साथ जाना चाहेंगे, गठबंधन सरकार? गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार देख रहे हैं। युवा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। आदिल जी, तो कैसा चल रहा है यूपी चुनाव? यूपी चुनाव बढ़िया चल रहा है जी। और अभी ऐसा लग रहा है कि सर्दी में चुनाव की गर्मी है, अभी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट गठबंधन की शायद आ जाए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो एक बात है कि जो कारोबारी लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा चाहिए कि यहाँ पे सुकून बना रहे, तो बीजेपी गवर्नमेंट में ये काम तो हो रहा है, लेकिन इसके अलावा आम जनता, गुंडागर्दी कम हुई है? गुंडागर्दी तो कम हुई है, लेकिन बात में ये है कि एक महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है बीजेपी गवर्नमेंट में, और फिर एक अलग समुदाय को ये अलग करके राजनीति कर रहे हैं, ये काबिल कबूल मेरे हिसाब से नहीं है। सबको लेके देखिए, ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पे हर इंसान को वोट डालने का अधिकार है, तो मेरा ख्याल ये है कि सब जाति के सब मजहब के लोगों को साथ लेके अगर ये चलें तो रिजल्ट ही कुछ और आएगा मेरे ख्याल से। तो बीजेपी एक जाति विशेष को अपना वोटर मान के काम करती है। इस बात के आप किसकी देखेंगे चाचा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जहीर है। जहीर जी, किसकी सरकार देख रहे हैं? आई सरकार तो भाई बीजेपी की चल रही है। हाँ, तो इस बार बीजेपी को मौका देंगे या बदलाव करेंगे? भाई जी भी टाइम बताओगे, अभी कुछ पता नहीं। अच्छा, हाँ, तो खराब नहीं करेंगे बीजेपी का काम काज कैसे? हाँ, बीजेपी का काम तो नमक खा रहा है, कोटे का नमक खा रहा है, नमक खराब नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या वजह है? वजह यह है परेशान हो गए, 20 दफा मैंने फार्म भर लेंगे, फिर सुने मेरी 67 साल की उम्र है, आज तक मेरे फार्म नहीं मंजूर हुए। ये कौन सा कानून है, कहाँ का कानून है? क्या कहा जाता है जब आप जाते हो फॉर्म भरने? फॉर्म भर दिए हो जाएगा, बट हो गए नगर पालिका से भर लिए, रिवाइवल लैंड भी भर लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। खत्म कहाँ हो गया? अच्छा, ये क्या है ये? अच्छा, ये मैं बदला रहा क्या है ये? ये क्या है? भ्रष्टाचारी है। तो फिर आप भी कौन? ना मैं ही कह रहा, इसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप? हम तो मामले की सरकार देखना चाह रहे हैं, इसकी अखिलेश यादव की। हाँ, अखिलेश यादव सरकार देखना चाह रहे हैं आप? बताइए किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं, क्या नाम है? मेरा बोरा है, मेरा नाम लगा दी खाम खाई, कहाँ का गुंडा मारा गया वो, उसे खाम खाई मतलब गुंडा ऐट लगा दी पे, खामा खाई का गुंडा, खाम खाई कहाँ का गुंडा है, खाम खाई तो लगाई है, ये जो लगाई है इस पे, ये छनी है, नेता है हमारे शहर का नेता है, कोई ऐसी बात नहीं, अच्छी तरीके से बात करी उन्होंने, उन्होंने जो ये काम किया है हमारे लिए, हमारे और उनको जो है परेशान किया जा रहा है, बिना बात का परेशान किया जा रहा है। भाई आप बताइए किसकी सरकार देखना है, क्या नाम? अखिलेश। अखिलेश सरकार जी, क्या हो जाए अखिलेश सर जी? बहुत कुछ हो है, ये जो इसकी सरकार है ना, ये साला पता नहीं पैसों में, उसमें लॉकडाउन पता नहीं क्या कर लगाता है, सब रोजगार बंद हो गया, मजदूर सभी सरकारें लगा रही है, देखो कांग्रेस भी लगा रही है अपने राज्यों में, दिल्ली में केजरीवाल जी भी लगा रहे हैं, बेशक जी बेशक करे हो, मगर अखिलेश के आने चाहिए सरकार जी। आप बताइए किसको वोट देंगे? जी गठबंधन देंगे वोट, गठबंधन ही सरकार आएगी, गठबंधन सरकार आएगी, क्या वजह है?
वजह है बस सड़कों पे लाके खड़े कर दी इस सरकार ने। सरकार के लिए गुंडागर्दी खत्म कर दी, विकास कर दिया हमने बहुत कुछ। विकास जो घेगा कनस्तर कांग्रेस सरकार में 1100 रुपए का था, 2400 का लेना पड़े। अच्छा, मिर्चा 100 रुपए किलो थी, 260 लेनी पड़े। महंगाई बढ़ रही है। प्याज 10 रुपए किलो बिकती थी, आज जाके रेट देख लो 40 रुपए किलो है। पेट्रोल 95 रुपए। फिर भाई यहाँ एक समर्थक जो है ना विधायक जी के साथ है, नाई दर्शन के साथ। हाँ, खुला सारी वोट विधायक जी पे जागी मारी। अच्छा। सबकी पूरे शहर की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यही है महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो है ही भाई, हम खुले समर्थक नाइज जी गए भाई। अच्छा। नाइज जी को सपोर्ट करेंगे, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा। चाहे हमारा काम हो या मत हो। अच्छा। हाँ, काम ना भी हो तब भी ना कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई दो नंबर काम थोड़ा ही है। हाँ, हमारा काम होगा, गरीब आदमी को काम हो जाए उससे बढ़िया बात क्या है। बस उससे बढ़िया बात यह है भाई, काम होना चाहिए। गरीब आदमी को काम हो जाए, गरीब आदमी जो जनता परेशान है उनका काम हो जाए उससे बढ़िया बात कुछ नहीं है हमारे लिए। और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं जाता, बस हमें तो यही है समाजवादी सरकार आवे। 5 साल बहुत भुगत लिए बीजेपी वालों को, इससे ज्यादा कोई भुगतना नहीं चाहता। हर चीज पे महामारी आ रही, भ्रष्टाचारी, हर चीज में महंगाई, कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें इंसान इस टाइम परेशान ना हो। सबके साथ समस्या, सबके साथ समस्या, कोई इंसान ऐसा है नहीं जो बिना समस्या के हो भाई साहब। आप बताइए पीछे से हंसना है, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार, क्या नाम है? कार अखिलेश यादव होगी। क्या अखिलेश यादव? समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। नौशाद जी कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है यूपी से। हाँ जी, वो तो खत्म हो गई गुंडागर्दी तो। हाँ, कम हो गई काफी। अच्छा, काफी कम हो गई। मतलब इस सरकार इस काम में बेहतर रही सर? हाँ, इस काम में बेहतर रही, बहुत बढ़िया। और कामों में बेहतर रही, लोग पोस्टर बड़े हैं, दिल्ली तक लगे हुए, दिल्ली की मेट्रो में पोस्टर लगे हुए हैं कि यूपी नंबर वन राज्य बना दिया। ऐसा कोई नहीं है, ना कोई ऐसा नंबर वन बना, ना नंबर दो बना। ठीक है बस, अपना बस थोड़ी बहुत इसमें गुंडागर्दी के हिसाब से ठीक रही, और कोई ज़्यादा कोई खास हो नहीं। महंगाई दुनिया भर की बढ़ रही, हर चीज़ दुनिया परेशान है महंगाई की वजह से, कोई ज़्यादा कोई खास हो नहीं है। अच्छा, महंगाई की समस्या आ रही है, बाकी गुंडागर्दी खत्म हो गई और कुछ नहीं? बस और कुछ नहीं। अच्छा, महंगाई हटा दे, बेरोजगारी हटा दे, तो चल रही है सरकार या बदलाव की जरूरत? नहीं, बदलाव की जरूरत है, होगा इंशाल्लाह बदलाव होगा। बदलाव की जरूरत जी। ठीक है, आप बताइए किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? अब तो इंशाल्लाह अखिलेश यादव की देख रहे हैं। अच्छा। जी, क्या वजह है? असल वजह ये है कि महंगाई हो रही है, अगर कोई भी मामला हो किसी का, कचहरी का हो या थाने का हो, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार बिल्कुल जबरदस्त, कहीं भी देखा जाए अगर चलान काटा जावे 1500 रुपए दे के जब रिहाई होते है। बिल्कुल, चलान वाले काम ही मत कीजिए ना, चलान ही ना कटे। नहीं, चलान का असल मकसद ही बहुत सी मरतब ऐसा हो जाता है, हेलीमेट नहीं देता तो फिर भी सेफ्टी के लिए, तो यही तो गलत है। अगर चलान वाला काम है के गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म, ये पक्की बात है। लेकिन ये है कि महंगाई की वजह से लोग बाग परेशान है, किसी की सुनवाई नहीं है। अगर थाने में कोई चले जावे तो उसको भी बिठा लेते हैं, और जो दूसरा आता है उसको बिठा लेते हैं। जी, आप लोग कह रहे हैं महंगाई खत्म हो गई, लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं इसमें, ओ सॉरी, आप लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं कि इस सरकार में रिपोर्टें ज्यादा हुई है, क्राइम और बढ़ रहा है। क्राइम तो ज्यादा है बिल्कुल, तो देख लीजिए आप, आपके सामने आ रहे होंगे, कितना ही देख लो मामला आप। तो किस बार किराना क्या करने जा रहा है, किसकी सरकार ला रहा है किराना? भाई सरकार तो बताएंगे बाद में, पहले तो सुन ले मारी। हाँ, भाई महंगाई इतनी है भाई, बेटे हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा। घी का भाव वो इतना महंगा, चावलों का वो महंगा, समझ लो हर जो बरतने की चीज आए हर का बताओ कितनी महंगाई है, तुम ही बताओ। इसीलिए सबसे बात कर रहे हैं कि महंगाई महंगाई है, सरकार तो जब बनेगी जब की बात है। अच्छा। महंगाई को बताओ तुम, इतना कहाँ से आवेगी, किस गरीब आदमी क्या करे? हम लोग गरीब आदमी क्या करे, बेरोजगारी इतनी है बेतुकी, बताओ। जब तो इलेक्शन आते हैं, अगर सरकार ने अच्छा काम करा है तो दोबारा चुनो, अच्छा काम नहीं करा तो बदल दो। तो बदल दी, बदल दी, बदल दी, बदल दी। किसको देंगे, किसके लाएंगे? बात उसको देंगे अपने भाई को। अरे वही 1000 रुपए का सिलेंडर दे रहा जोन सा। हाँ, महंगाई की ऊपर झगड़ा है सारा, कुछ नहीं मारा, क्या बिगाड़ रहा हूँ बेचारा। एक वो खाम खाई का मुद्दा बना दिया, किराने में यूं हो गया जी, किराने में यूं हो गया। अरे भाई तू एक बात तो बता कि ये अब यहाँ रह रहे है, समझ लो ये खा नहीं रहे, रह नहीं रहे, हमारी कमाई नहीं करे, फिर कुछ सभी साथ ही रह रहे हैं और कुछ होगा भी, और कुछ होने, और पुरान खाम खाई का लेना ना देना। और क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मुसारफ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार देख रहे हो? किसी की भी आ जाओ। अच्छा, किसी की भी आ जाओ, खुला खूंटा हूँ मैं तो भाई। मुझे ना तो महंगाई से डर लगे। अच्छा। ना मुझे बदमाशी से डर लगे, ना मुझे सरापस से। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, नहीं हूँ किराने का, लेकिन गुड़गांव का वोट है। अच्छा, गुड़ हरियाणा का है। हाँ,
कोई भी आ जाओ भाई, मैं तो सबके साथ हूँ। हरियाणा का वोटर, हरियाणा में भी आने ही वाले हैं जल्दी। मैं तो गुड़गांव का रहने वाला हूँ, वोट मेरा मही का है, रहूँ यहाँ किराने। रहते यहाँ पर किराने हो तो कैसा है यूपी का हाल? बढ़िया है यूपी का हाल, बदमाशी दूर हो गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई, हाँ। महंगाई से फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? मुझे नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, सरकार दो बार राशन दे रही है। सरकार में तो दो साल में 2,000 किलो राशन आ गया लोगों के घरों में। अगर कोई महंगाई को देख रहा भाई, हल्का भारी सभी के साथ है महंगाई, तो मंदा भी सस्ता भी सभी काम है। अगर मुझे कहता हो भाई कोई, मैं तो कारोबार यहाँ करता ही नहीं भाई, गुड़गांव में करूँ। अरे महंगाई, साल भर में 2,000 किलो राशन आ गया, मतलब खुश हो के सरकार राशन वाशन दे रही है, टेंशन कम है? हम तो खुश है। देखिए अभी हम मौजूद थे किराना में, किराना विधानसभा में, मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ से हमने बात करी, सबसे बात कर रहे हैं, किराना की जुमा मस्जिद के पास खड़े थे, और लगातार हम अपनी चुनाव यात्रा जारी रखेंगे और जानेंगे। एक ही समस्या आ रही है, देखिए मैं चाहे लखनऊ गया, बनारस गया, अयोध्या भी गया, सबने एक ही समस्या बताई इस सरकार में कि सरकार से कोई बेर नहीं है, सिर्फ एक ही समस्या है सरकार में, वो है महंगाई और बेरोजगारी। अगर ये ठीक कर दे तो सरकार में कोई कमी नहीं है, बहरहाल इसी सरकार के साथ चले जाते, लेकिन होगा क्या? क्या महंगाई बेरोजगारी लेके डूबेगी या विकास के नाम पे ये जीत जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा किसका होगा। अखिलेश ने करा क्या आज तक? जो भी कुछ करा अखिलेश ने करा, वो बेरोजगारी इसमें, महंगाई इसमें, गुंडागर्दी इसमें, बताओ क्या कमी है इसमें भाई? अगर इतना ही बड़ा मान लो यो बेरोजगारी ना हो, हर आदमी परेशान है, बताओ कितने युवा खड़े हैं यहाँ, पूछ लो किसी से भी। सबसे बात करी, सभी यही कह रहे हैं कि अगले सरकार बढ़िया है। अब मैं जी पढ़ाई का मामले पे सरकार, अब सबसे बड़ा क्या मामला, अगर ये गुंडों की सरकार नहीं है तो उसे टेनी को क्यों नहीं पकड़ा? सत सत अटट किसानों को मार दिया उसने, गाड़ी चढ़ा के बताओ, इससे बड़े गुंडागर्दी क्या होगी? योगी मुख्यमंत्री खुद उस पर गैंगस्टर गुंडा है, इतने केस हैं, बताओ काम क्यों नहीं उसे वो करा, बताओ कौन सा है इसमें साफ बताओ। बदलाव कर रहे हैं फिर इस बार, बदलाव अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नाई दसन जिंदाबाद। आप भी बदलाव करेंगे ये सरकार? बेरोजगारी है बिल्कुल, बेरोजगारी है कुछ नहीं रहा, बदलाव इस बार, बदलाव अखिलेश यादव बाद आने के लल्ले पड़ रहे, क्या करेंगे महंगाई के जमाने में, आदमी ना कारोबार ना रोजगार ना कुछ, क्या फायदा इस सरकार को, दफे दफे करो भाई। फिर मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि कुछ भी कहना इलेक्शन से पहले, जब तक रिजल्ट ना जाए बेवकूफी होगी, होगा क्या आने वाला वक्त बताएगा। अभी हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लगातार हम अपनी चुनाव यात्रा जारी रखेंगे, हर जगह जाएंगे, हर लोगों से, हर समुदाय से, हर जाति के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विकास हुआ या सिर्फ पोस्टर ही छप रहे हैं।